या तो तुम जमता है तो मेरे साथ रहो नहीं जमता है तुम जा सकते हो इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हट हुआ तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे ऊपर एसिड फेंका मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा घर पूरा मेरे घर में ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो गया वो दर्द इतना बुरा था वो चीख इतनी बुरी थी कि मैं चार आजू बाजू वाले लोग सब आ गए थे और वो इंसान मेरे को बोलता है कि ले अपनी ज़िंदगी हेलो मेरा नाम ज़ाकिरा शेख है और मैं एक एसिडेटिक सर्वाइवर हूँ आज मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ जॉस्टॉक के माध्यम से मेरी पैदाइश बॉम्बे मलाड में हुई और मैं बचपन मेरा बॉम्बे में ही पल पली पढ़ी हमेशा और पढ़ाई भी बॉम्बे में ही किया बहुत चुलबुली ये जाकिरा जो थी बहुत चुलबुली मस्ती खोर हंसने वाली लोगों के साथ बैठना उठना मस्ती करने वाली जाकिरा आज काफ़ी बदल चुकी है काफ़ी चेंज हो चुकी है लोगों से मिलना जुलना बहुत कम कर चुकी है बट मेरी लाइफ की रीज़न ये है कि मैंने अपने आप को नहीं बदला मेरे हालात ने मुझे बदल दिया मुझे मेरे हालात ने मुझे इस तरीके से बदला कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो जाकिरा कौन थी और ये जाकिरा कौन है मैं जब छोटी सी थी तो वो टाइम पे पढ़ाई लिखाई मस्ती जिस तरीके से भी 11-12 साल गुजरा तो इतना इंसान को नहीं समझ में आता था कि लाइफ किस तरीके से जीना चाहिए हम बहन सात बहन थे और हमारे बड़ा परिवार था जिसके वजह से हम लोग मतलब आप मतलब आपस में ही फ्रेंड आपस में ही बहन भाई में इतनी क्लोज थे कि हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ऐसा हुआ कि मेरी शादी के टाइम पे मेरे मतलब मुस्लिम में ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों को बाहर बहुत कम जाने दिया जाता है कि मतलब नहीं ये चीज़ मत करो ये चीज़ मत करो और उन लोगों को पर्दे की पाबंदी की जिस तरीके से मैंने भी किया तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे जो अबू थे तो वो मेरी शादी मतलब सत्रह साल की एज में कर दिए थे जिसके वजह से मुझे उतनी अक्ल नहीं थी कि घर कैसे चलता है कैसे रहे रिश्तेदार बनाया जाता है कैसे फैमिली को संभाला जाता है ये चीज़ की मुझे ज़रा भी नॉलेज नहीं थी फिर शादी होने के बाद आ, मुझे इस तरीके से बोला जाता था मतलब ससुराल में कि आपको ये आपकी ज़िम्मेदारी है आपको खाना बनाना पड़ेगा आपको इस तरीके से करना पड़ेगा बट मेरी शादी के टाइम पे तो मेरी शादी वाले ही दिन से ही मेरी ज़िंदगी में मतलब झगड़े चालू हो गए थे मेरे खुद के जो शौहर थे वो दो मैंने तो उनको देखा ही नहीं था शादी से पहले शादी के बाद जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो हस्बैंड मतलब इस तरीके के निकले कि मतलब मुझे मैं सोच में रह गई कि एकदम जाहिलियत वो इंसान के अंदर भरी हुई थी ना वो किसी की रिस्पेक्ट करते थे ना वो किसी की इज्जत ना बड़ों की ना छोटों की ना किस तरीके तो मैं ये सोचती थी कि पता नहीं कैसे इंसान और मेरे सस जो ससुर जी थे तो वो ने कुछ पैसों की वजह से मुझसे शादी किए थे मतलब अपने बेटों को मुझसे शादी करवाए थे बट ऐसा हुआ था कि मेरी शादी वाले दिन की रात जब मेरे पापा ने जो दहेज वगैरह दिए थे उनको तो वो दहेज के वजह से भी काफ़ी झगड़े हमारे घर में हमेशा होते रहते थे मतलब हमेशा मुझे ताने सुनने को मिलता था कि तेरे बाप ने ऐसा किया तेरे बाप ने वैसा किया ये किया वो किया पर थोड़े टाइम तक ऐसे चलते गया फिर छः सात महीने के बाद मैं हमेशा मेरे पापा को ये चीज़ बोलती थी कि आप लोगों ने मेरी शादी कहाँ करवा दी कि मुझे मतलब हर वक्त ये चीज़ सुनने को मिलता है ये चीज़ का ताना मिलता है आपने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है तो पापा ने क्या किया बोले आ जाओ आप बॉम्बे आ जाओ आप को इधर ही कुछ सेटल करते हैं तो वहीं मैं बॉम्ब यूपी में, में मेरी शादी हुई थी यूपी से मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे में मैं सेटल हुई धीरे धीरे करते करते एक साल डेढ़ साल के बाद मुझे एक बेबी हुई जब बेबी हुई तो वो हस्बैंड ने इस तरीके का रवैया किया कि मतलब उससे ऐसा लगता था कि ये बेटी क्यों पैदा करी इसको बेटा पैदा होना चाहिए था तो उस वक्त वो हमेशा छिड़छिड़ वो बच्ची को ना प्यार करना ना वो बच्ची को लेना ना वो बच्ची से कोई मोहब्बत नहीं थी उसे और वो उस वक्त उसकी जान लेने की भी कोशिश किया था बट मैंने वो टाइम पे लड़ा था मैंने बोला था आपने इसकी उसको कुछ भी किया तो मैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवा दूंगी तो वो डरता था कि ये कैसे सच में कर दो मैंने बोला था कि आप इसको कुछ भी करोगे तो मैं ये चीज़ करूँगी पर मुझे समझ में आ चुका था कि ये इंसान किस तरीके का है इसकी सोच क्या है ये मतलब लड़कियों को इस तरीके की सोचता है कि अब मुझे ये समझ में आ गया था फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि चलो ठीक है थोड़े टाइम के बाद ये शायद बच्ची को चलते फिरते देखेगा तो इससे प्यार आ जाएगा और हुआ छः सात महीने के बाद जब वो बच्ची हंसने लग गई बोलने लग गई तो वो प्यार भी करता था ऐसा नहीं कि धीरे धीरे वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ बच्चे को प्यार उस टाइम के बाद फिर ऐसे ही चलने लग गया फिर एक डेढ़ साल के बाद वो फिर मुझे दूसरी बेटी जन्म हुई तो वो इंसान का तो रवैया एकदम ही चेंज हो गया था मतलब वो इस तरीके का हो गया था कि उन्हें घर में खर्चे देना घर में रहना रहने रात दिन बाहर दोस्तों यारी के साथ घूमना फिरना इस तरीके से वो करते चला जा रहा था तो मैं उनको हमेशा प्रेशर करती थी कि आप ऐसे करोगे तो घर कैसे चलेगा ये है वो मेरे से नहीं होएगा एक काम करो तुम अपना देख लो ऐसा वैसा तो मैंने भी काम स्टार्ट किया तो फिर मैंने ना टप्परवेयर सेल करने लग गई और भी काफ़ी चीज़ में मतलब घर बैठे घर से ही काम करती थी उसके बाद मैं मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए और बट मैंने ना एक हर्बल लाइफ प्रोडक्ट होता है मैंने वो प्रोडक्ट को क्यों तो मैं बहुत बहुत तो मतलब हैवी थी और इसलिए ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये हर्बल लाइफ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए तो मैंने वो हर्बल लाइफ प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली बहुत महंगा था वो तो मेरी इतनी नहीं हैसियत है थी कि मैं उसे खरीद सकूं बट मैंने ना वो फिर भी मुझे उधर मीटिंग में बताया गया कि आप इसको खरीदो मत आप इसको सेल करो उसमें आपकी इनकम भी आएगी और आप ये प्रोडक्ट को खा भी सकोगे तो मैंने ये सोचा इसको करने से अच्छा मुझे अपने आप को भी मेहनत करना है फिर मैंने मतलब अपने आप को सुबह वॉक करना अपने आप को मेंटेन करने की बहुत कोशिश करी और मेरे काफ़ी मेंटेन करी और लोग मुझसे पूछते थे तो मुझसे पूछते थे तू क्या कर रही है आजकल तेरा चेहरा ग्लो दे रहा है आप तेरा वेट कम हो रहा है तो मैं उन लोगों को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज देती थी हालांकि मैं मेहनत हर चीज़ पर करती थी पर वो लोगों को दिखाती थी मेरा माइंड ये चलता था कि मुझे अपना काम बढ़ाना है तो मुझे अपने आप पर मेहनत करना जरूरी क्यों तो रिजल्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी इंसान कोई भी कस्टमर मुझसे पूछेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो तो मैंने अपने आप पे मेहनत करना अब मेरे हस्बैंड का दिमाग क्यों हो गया कि लगता है इसकी लाइफ में कोई आ गया है और इसलिए ये चेंज हो रही है और मेरी उनकी हमेशा लड़ाई झगड़े होती ही रहती थी होने के बाद वो ने वो मुझे हमेशा यही बोलते थे तेरा तू तू ये क्यों कर रही है तू ये क्यों कर रही है तू सुबह वॉक करने क्यों जाती है तू सुबह चार बजे उठ के गार्डन के रॉन्ड क्यों लगाती है मतलब वो हमेशा मतलब ये सब चीज़ों पर रोक टोक करने लग गए मतलब कहाँ जा रही क्या कर रही तो मैं ये बोलती थी कि तुमसे तो घर चल रहा नहीं है तो मुझे जो कर रही हूँ करने दो ना तो वो बोलते थे नहीं nah, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा मतलब इस तरीके की बात वो करने लग गए थे तो मैंने उनको बोला कि देखो तुम नहीं कर सकते और मुझे भी करने नहीं दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा या तो तुम को जमता है तो मेरे साथ रहो नहीं जमता है तुम जा सकते हो तो इस वजह से वो इंसान का ईगो इतना हट हुआ तो वो इंसान ने डायरेक्ट मेरे पर एसिड फेंका और एक दिन 2000 मतलब 2017 में वो ने रात के दो दो बजे के टाइम पे वो हमारे दोनों के झगड़े हुए और झगड़े होने के बाद वो ने मैं सो गई और साढ़े चार बजे उन्होंने मेरे ऊपर एसिड फेंके उस रात मतलब दो नवंबर की रात ऐसी थी कि मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है किसी के साथ कि ने मतलब ऐसा एसिड ला के मेरे ऊपर फेंके मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरा घर पूरा मेरे घर में ऐसा लग रहा था ब्लास्ट हो गया मेरा घर मुझे ऐसा समझ भी नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था क्या हो गया है मेरे साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे घर ब्लास्ट हो गया कि मीटर फट गया कि गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया क्या हो गया मतलब इतनी बुरी तरीके से आग जैसा लगा आ, वो टाइम पे मैंने इतना तेज़ से चिल्लाया था कि आज मुझे कोई बोले कि जाकिरा तुम वैसा चिल्लाओ तो मेरे मेरे हलक से वो आवाज़ नहीं निकलेगी क्यों तो वो दर्द इतना बुरा था वो चीख इतनी बुरी थी कि मैं चार आजू बाजू वाले लोग सब आ गए थे और वो इंसान मेरे को बोलता है कि जी ले अपनी ज़िंदगी बोलता है जी ले अपनी ज़िंदगी तुझे जी जीना था ना तुझे बहुत खूबसूरत बनना था तुझे बहुत कुछ करना था ना ले मैंने तुझे चार दीवारी के अंदर रख दिया और ये बोल के वो तो मैं तभी भी उससे लड़ रही हूँ कि मैंने बोला मैं बच गई ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं उस वक्त भी उससे बोल रही कि मैं बच गई तो मैं छोड़ूंगी नहीं और मुझे ऐसा लगा था कि ये मेरा लास्ट टाइम है अब बस अब मैं नहीं बचूंगी मुझे यही लग रहा था उसके बाद मुझे वो ने पता है मेरे आज अगल बगल जितने लोग थे ना उन लोगों को ताला कर दिया था किसी को लॉक कर दिया था सबके दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था कि इसे कोई बचा ना सके और मेरे पूरे घर में मतलब एसिड डालने की वजह से पूरा धुआं धुआं हो गया था पूरा घर मेरे चेहरे से पूरा धुआं निकल रहा था मुझे तो कुछ नहीं पता था मैंने तो आँख ही बंद कर लिया था कि मुझे ऐसा लगा था ये एसिड आँख में गई तो मेरी आँख चली जाएगी तो फिर भी मैंने आँखों को दोनों पैक कर लिया था इस आँख का इन्फेक्शन इतना हो गया था कि ये आँख को निकालना पड़ा डॉक्टर ने बोला ये आँख को नहीं निकालेगा तो ये आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा ये भी ख़राब हो जाएगी तो बट जब ये होने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में पता है कि मतलब जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता वो करीबन चौबीस घंटे मुझे ऐसे ही रखे गए गय, रखा गया फिर मैं मतलब उधर देख रही थी मुझे जो से वार्ड में रखा गया था जो वंस वार्ड रहता है तो वहाँ पे जब रखे गए तो उधर ना चार पांच पेशेंट थे मेरे अगल बगल जब मैं उधर गई तो उधर सबकी चिल्लाने की रोने की आवाज़ आ रही थी और मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा था मेरी आंखें तो बंद कर दी थे और मुझे सब ने बोले थे कि आँख मत खोलना किसी ने कोई दूध ला के मुँह पर मार रहा है तो किसी ने पानी मार रहा है जिसको जैसा समझ में आ रहा था वो लोग कर रहे थे मेरी हेल्प कर रहे थे मेरे पड़ोस वाले उस वक्त तो किसी के घर में वो टाइम पे दूध था भी नहीं सुबह पाँच बजे के टाइम पे किसी के घर में था किसी की दुकान नहीं खुली थी मतलब ऐसे करके काफ़ी लोग जमा हो गए थे और फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे मेरा बयान लिए मेरी ट्रीटमेंट चालू हुए ट्रीटमेंट के चौबीस घंटे के बाद तो मेरी पूरी बॉडी फूलने लग गई थी मतलब मेरी बॉडी इस तरीके से हो गई थी कि डॉक्टर ने ना उम्मीद का बता दिया था कि जवाब दे चुका था कि बहुत मुश्किल है फिर मेरे घर वाले सोचे कि शायद ये मुंसिपल हॉस्पिटल है शायद हम इनको प्राइवेट में अच्छी जगह ट्रीटमेंट करवाएं शायद इसका कुछ अच्छा हो जाए और मैं मेरी मम्मी से यही बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ से निकालो यहाँ से निकालोगे तो मैं ज़िंदा रह जाऊँगी यहाँ तुम रखोगे तो मैं मर जाऊँगी मतलब मेरा यही एक वर्ड था मैंने बोला आप लोग मुझे निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो यहाँ से क्योंकि तो मैंने वहाँ पे 24 घंटे में क्या नोटिस किया था मैं देख तो नहीं सकती थी पर मेरे इर्द गिर्द जितने पेशेंट थे वो चार पाँच घंटे के अंदर सब ऑफ हो चुके थे और मैं बार बार पूछ रही मेरे घरवाले से कि जो अभी फला चिल्ला रही थी वो कहाँ गई तो मेरे घरवाले बोलते तो वो अच्छी होकर चली गई पर मुझे पता था कि वो ऑफ हो चुकी है मेरा दिल वो चीज़ बोल रहा था कि सारे चे लोग ऑफ हो गए कोई दो घंटे बाद हुआ है कोई चार घंटे के बाद हुआ है कोई छः घंटे के बाद मतलब दो तीन ऐसे पेशेंट थे खत्म हो गए थे तो मुझे और डर लगने लग गया और मैं मेरी मम्मी को बोली कि आप लोग मुझे निकाल रहे क्योंकि नहीं निकाल रहे हो मैं यहीं दम तोड़ दूँ मतलब मेरी मम्मी से लड़ भी रही हूँ वो टाइम पर तो मेरी मम्मी लोग बोल रहे तेरे लिए हॉस्पिटल हम लोग ट्राई कर रहे अभी यहाँ से पहले दूसरे हॉस्पिटल में बात करेंगे तभी यहाँ से लेके जाएंगे हम लोग इधर से लेके जाके तुझे घर में नहीं रखेंगे तुझे टाइम दे क्योंकि वो 24 घंटे में उन लोग ने पता करे कौन सा हॉस्पिटल है ऐसे वंश पेशेंट के लिए कि कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है क्या है वो लोगों ने पता करते करते मुझे मसीना हॉस्पिटल लेके गए भाई खल्ला है में है वो वो हॉस्पिटल में काफ़ी काफ़ी मतलब मेरा पाँच महीना में वो हॉस्पिटल में थी और एक जिंदा लाश की तरह थी फर्स्ट डे से वो लोग ने मेरा ट्रीटमेंट इतना अच्छा किए कि वो हॉस्पिटल की मैं हमेशा तारीफ़ करूंगी क्योंकि तो वो हॉस्पिटल ने मतलब मुझे जिस तरीके से ट्रीटमेंट और जिस तरीके से हौसला दिए जिस तरीके से मेरी उम्मीद को जगाते थे वो लोग जब मैं वार्ड में जाती थी वो वार्ड में मुझे लेके जाके वो मुझे ओटी में लेके जाके मुझे जिस तरीके से बात करते थे मुझे जो डॉक्टर थे डॉक्टर अभ्यंकर वो मुझे बहुत हौसला देते थे कि जाकिर आप अच्छे हो जाओगे आप टेंशन मत लो हा हम आपको जॉब देंगे हम आपको ये हेल्प करेंगे हम आपको वो हेल्प करेंगे और मुझे नहीं पता था कि दुनियादारी क्या हो रही है बाहर वो डॉक्टर मतलब मुझे इस तरीके से और मुझे हाथ में हाथ रख के मुझे ऐसी हिम्मत देते थे कि आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे आप तो अभी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाओगी पर हिम्मत मत हारना और वो डॉक्टर ने मेरी मम्मी को बोला था जाकिरा ने हिम्मत दिखा दी दस पंद्रह दिन तो इसके ऊपर हम लोग काम करके पास हो जाएंगे और ये हिम्मत तोड़ दी तो फिर बहुत मुश्किल है क्यों तो मेरे जैसे पेशेंट वहाँ और ऑलरेडी आ चुके थे और वो ऑफ हो चुके थे चौदह पंद्रह दिन जी के तो डॉक्टर ने मेरी मम्मी लोग को ये जवाब दे चुके थे कि चौदह पंद्रह दिन जी गई तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं ऐसे ही चलते गए मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा मेरे साथ क्या नहीं होगा हालांकि जो मेरा फेस पूरा जर, जला हुआ था जो तो उसको डॉक्टर ने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया करने के बाद मेरे यहाँ पे एक मशीन डाल दिया गया कि मैं जिस तरीके से मैं चिल्लाती थी दर्द होता था मुझे तकलीफ़ होती तो वो आवाज़ दूसरे तक ना जाए तो यहाँ पे एक ट्यूब डाल दिया गया था कि जिससे मैं अपनी बातें ना बोल सकूँ लोगों को वो मतलब चार महीना मतलब एक बस अंदर ही अंदर सोचती थी अपना दर्द भी किसी को बता भी नहीं सकती थी और रोती थी और आँख से दुनियादारी देखती नहीं थी कि कितना टाइम हो रहा है सुबह हो रही है कि शाम हो रही है ये पैक कर दिया गया था मुझे और गले से भी बात नहीं कर पाती थी करीबन ऐसे चार पाँच महीना निकला और चार पाँच महीने के बाद मेरे मुझे आँख की पट्टी खोला गया मेरे और मुझे पट्टी खोलने के बाद मुझे दिखा कि हाँ चलो पर मैं नोटिस कर रही थी कि मुझे ये आँख से क्यों नहीं दिख रहा है मतलब मैं ये देख रही थी बार बार कि मुझे ये आँख से क्यों नहीं दिख रहा है ये आँख से तो मुझे बराबर दिख रहा है तो मैं मेरी मम्मी से पूछी मैं बोलिए अब मैंने ये नहीं देखा कि मेरी ये आँख जा चुकी मुझे नहीं पता था मैंने बस ये बोला मम्मी ये आँख से मुझे नहीं दिख रहा तो बोले अभी वो उसका ऑपरेशन होगा वो ठीक हो जाएगा ऐसा बोले अब मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है काफ़ी दिन निकले और पंद्रह दिन के बाद तो मैंने मेरी बहन को बोला कि मुझे मोबाइल देना ऐसा मैंने बोला मोबाइल दे तो वो बोली क्या करेगी मोबाइल मैंने बोला दे तो और वो जैसे ही दी ना तो मैंने फट से कैमरा ऑन करके और कैमरे में मैंने अपना फेस देखा और जैसे ही मैंने फेस देखा मैं इतना कस के डर गई कि वो मोबाइल मैंने उतनी दे दूर फेंका मैंने बोला वापी मतलब मेरे साथ क्या हो गया मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या हो गई मुझे जरा सा भी मुझे ऐसा लग रहा नहीं था कि मैं जीऊं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मेरी मम्मी को बोला कि आप लोग ने मुझे बचाया क्यों मुझे अब नहीं जीना है डॉक्टर को बोलो मुझे जहर की सुई लगा दे मुझे मरना है मैं नहीं जी सकती मैं ऐसा फेस लेके लोगों तक नहीं दिखा सकती और मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी मेरे खुद के बच्चे मुझसे डरेंगे मैं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी मुझे डॉक्टर को बोलो यहीं पे मुझे खत्म हुआ तो मेरी मम्मी बोले पाँच महीने से तेरे पीछे हम लोग कितनी मेहनत किए कहाँ कहाँ नहीं दौड़े कैसे करके तुझे आज बचाए और अब तू बोल रही कि नहीं जीना है मुझे मैंने बोला नहीं मैं ये फेस लेके अब कहीं नहीं जा सकती हूँ बहुत मतलब रोना तो इतना आता था बहुत रोती थी मतलब समझ में नहीं आता था कि ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट करूँ कोई रास्ता नहीं समझ में ही नहीं आता था फिर धीरे धीरे करके जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया घर गई घर जाने के बाद मैंने सबसे पहले मेरे मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी पाँच महीने हो गए मैंने अपने बच्चों से नहीं मिली मेरे बच्चों से मुझे मिलाओ अब वो टाइम पे मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मेरे बच्चों से मिलाओ तो मेरे मम्मी बोले हाँ ठीक है आ जाएंगे वो लोग और वो लोग लो आए आते साथ मैंने उतनी दूर थे वो लोग और मैंने उन लोगों को बोला बेटा इधर आओ वो बच्चे मुझे देख के काँप रहे थे और काप रहे थे और रो रहे थे कि नानी ये मेरी मम्मा नहीं है और ये कह रहे थे कि नहीं ये मेरी मम्मा नहीं है ये किसको आपने लेके आ गए हैं मैं फिर भी बोल बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ अफीफा इधर आओ अफीफा इधर मतलब मैं उनको बुला रही हूँ वो बच्चे इतना डर के वो भाग गए और क्या बोले नानी आप वो मम्मी के सामने कभी लेके कर आओगे ना तो हम आपका भी घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं पे भी पर हम लोग अपनी मम्मी के साथ नहीं रहेंगे तो मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक है मेरे बच्चे जब ये चीज़ बोल रहे हैं ना तो मुझे उनसे दूर ही रहना चाहिए पर एक माँ को ये सोचो कितनी तकलीफ़ होती जब उसका बच्चा उसको बोलेगा कि ये मेरी माँ नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी कि मैं इनको कब अपने करीब कर पाऊंगी कब मैं इन, इन इन दोनों को गले लगा पाऊंगी कब मैं इनसे प्यार कर पाऊंगी मुझे ये चीज़ की तकलीफ क्या पता है कभी ये दिन आएगा कि नहीं आएगा कि मैं इनके साथ बैठूंगी और फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मैंने बच्चों को अपने क़रीब किया और उन लोगों से प्यार करने लग गई फिर एक मूवी थी भूतनाथ शाहरुख खान की वो पिक्चर मेरी बेटी ने बोला ममा मुझे ना वीडियो एक पिक्चर दे यूट्यूब पे कुछ लगा के दो और मैंने वो पिक्चर लगा के दी वो बच्चे लोग देखे करीबन रात के दो बजे तक और वो बच्चे लोग देखने के बाद बोलते हैं वो भूत कितना वो बच्चे से प्यार करता है तो मैंने बोली बेटा मैं भी तुम लोग के लिए भूत हूँ पर मेरे से ज़्यादा तुमको कोई प्यार नहीं करेगा तो माँ से ज़्यादा कोई प्यार नहीं करेगा और वो चीज़ मैंने उस दिन उन लोगों के दिमाग में फिट की और वो बच्चे जब से मतलब एकदम वो फ्री हो गए कि मतलब हाँ अब ये ही मेरी माँ है अब वो ने वो बच्चे को वो पिक्चर देखने के बाद उनको ऐसा रियल हुआ कि हाँ ये जब भूत है तो ये मेरी माँ भी है और ये चीज़ का एहसास हुआ फिर वो दोनों बच्चे मेरे पास आने लगे करीबन आठ नौ महीने ऐसे करते करते फिर मेरी एक हुम्स ऑफ बॉम्बे में स्टोरी गई Uh, to, uh, 2019 में 2019 में एक स्टोरी गई उस स्टोरी में नीचे कमेंट था यू आर हेल्प मी और उनका नाम था अनुष्णी कुलकर्णी तो जब मैंने वो मैसेज वो मैंने कमेंट पढ़ा और कमेंट पढ़ने के बाद मैंने अनुश्री को फॉलो अप किया फॉलो करने के बाद हम दोनों ने बातचीत की है अनुश्री ने मुझे बात करते करते पूछा कि आपका कोई सपना है कुछ करना चाहते हो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ तो मैंने उनको बोला कि मुझे बचपन से मेकअप आर्टिस्ट का बहुत शौक था अनुश्री ने मेरे को वहाँ हेल्प किया और मैंने वहाँ अकेडमी में एडमिशन ले फिर मैंने मेकअप का कोर्स किया और मेकअप का मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने के बाद आज मैं अपनी लाइफ में मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद इतना फिर भी हैप्पी हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ अपने घर में ऐसे ही चलते चलते काफ़ी टाइम तक ऐसे काफ़ी अच्छे दोस्त मिलते गए जो खुद के दोस्त थे तो वो तो छोड़ दिए थे साथ पर धीरे धीरे सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छे दोस्त मेरे बन गए काफ़ी अच्छे अच्छे लोग कि वो लोग काफ़ी सपोर्ट भी करने लग गए मुझे और मुझे बोले कि जाकिरा हम हैं आपके साथ और वो जो हिम्मत मुझे मिली फिर मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे जीना चाहिए अब मुझे मेरे बच्चों के लिए जीना चाहिए अपने लिए जीना चाहिए और मैंने जब मेकअप का कोर्स किया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने चेहरे पे जब मेकअप किया तो मुझे ऐसा लगा क्या कमी है मेरे अंदर मैं तो खूबसूरत हूँ मतलब मुझे ऐसा एहसास हुआ और फिर मैंने वो टाइम से आप लोग मेरे पेज पे देखोगे झाकिरा शेख पे मैं हमेशा मेकअप करके ट्यूटोरियल बना के डालते रहती हूँ तो मुझे पसंद है मेकअप करना जो मेरा सपना था वो सपने को मैंने पूरा किया भले चेंज जिंदगी चेंज हुई पर सपने भी पूरे हुए मेरे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हार नहीं मानना चाहिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरती से देखा जाए लाइफ में हर इंसान के दुख सुख आता है छोटा बड़ा किस हर हर एक इंसान की पर उसको लेके पॉजिटिव के तरफ निकलना है और आगे रफ्तार बढ़ाना है फिर मैंने एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया फेसबुक अकाउंट बनाया मतलब मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी को शुरू करना करते करते मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे और काफ़ी लोगों के जो कमेंट आते थे उससे मुझे बहुत तो पावर मिलता था जो इस तरीके से एक इंसान लाइक करता था तो मेरे वीडियो आप देखोगे मिलियन में जाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती कि इतने लोग मुझे प्यार करते हैं तो फिर मैं क्यों अपने नहीं अपने आप से प्यार करूँ जब दूसरे लोग मुझे प्यार करते तो मैं अपने आप से क्यों नहीं प्यार करूँ मुझे करना चाहिए और मैं हर इंसान को बोलती हूँ कि कोई भी इंसान काला हो या पीला हो या नीला हो जिस तरीके का वो, वो अपने लिए है और अपने आप से अपनी आत्मा से अपनी रूह से प्यार करना चाहिए लोगों को धीरे धीरे करके मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारी है थैंक यू जस्ट इट इज़ सेट दैट वेन यू एजुकेट वुमेन यू एजुकेट इन इंटायर जनरेशन नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की जिन्होंने सी एस करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी नीला प्रणाली आरती और उषा जी ने मिलकर स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंस बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर वन स्पोकन इंग्लिश लर्निंग एप स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें